अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम मियां अब्दुल्ला, तुसीं देख रहे मियां टेक्निकल गुरु। दोस्तों अज्ज दी जिहड़ी वीडियो होने जा रही है हैगी आ इनवर्टर की सैटिंग के उपर। जो दोस्तों जिहड़े लोग इनवर्टर की सैटिंग नहीं जानते, अज उन्हां वास्ते बहुत अच्छी वीडियो होने लगी है। असीं इनवर्टर की सैटिंग तुहानूं मुकम्मल दस्सांगे कि इनवर्टर की सैटिंग तुसीं खुद घर दे विच वी कर सकदे हो। जो दोस्तों असीं इहदी तुहानूं सैटिंग के बारे च वी दस्सांगे और असीं तुहानूं इहदी परफॉर्मेंस के बारे च वी दस्सांगे कि तुसीं देख सकते हैं कि साडा यूपीएस जिहड़ा इस टाइम कि परफॉर्मेंस के अंदर जा रहा है। कि दोस्तों असी तुहानूं अंदर मुकम्मल गाइड करांगे यूपीएस की सैटिंग। तुसीं एक दफ़ा इस वीडियो नूं मुकम्मल जरूर देखो और यूपीएस की सैटिंग खुद सीख के खुद सैटिंग कर लो। जी दोस्तों इस दे नाल नाल ही साडे चैनल के उपर सोलर प्लेटां के बारे च भी सारी इनफॉर्मेशन असी दिंदे आ और इनवर्टर के बारे च भी दिंदे आ। मजीद अगर तुसीं वीडियो देखनी आ तो इधर वीडियो आ रही आ, तुसीं इन्हां नूं जाके मजीद वीडियो नूं वाच कर सकते हैं। और जिहड़े दोस्त साडे चैनल के उपर नए आ, साडे चैनल नूं सबसक्राइब कर लैन और लाइक कर लैन और लोगों के अंदर शेयर भी कर दें। और इस नाम तो मियाँ टेक्निकल गुरु के नाम तो वट्सएप के उपर भी साडा ग्रुप बनया और फेसबुक के उपर भी पेज आ, इंस्टाग्राम और टिकटॉक के उपर भी। जो दोस्तों उन्होंने भी फॉलो कर लेना तो आ जाओ अज की वीडियो शुरू कर दें। दोस्तों ये सैटिंग जी तुम समझा लगे करनी बहुत जरूरी होगी। दोस्तों सब तो पहले असं करा एंटर वाले बटन प्रेस करा थोड़ी देर तक और सैटिंग के अंदर जावे। जी दोस्तों असं सैटिंग के अंदर आ चुके हैं। सब तो 00 तो असी अप करा तो पहली सैटिंग आ जाएगी। जी दोस्तों 00 तो असं डाउन करा तो पहली सैटिंग के अंदर असं शामिल हो जाएंगे। जी दोस्तों SUB का मतलब है सोलर यूटिलिटी एंड बैटरी। जी दोस्तों मतलब यह है कि सब तो पहले सोलर इस्तेमाल होएगा, दूसरे नंबर पर बैटरी इस्तेमाल होएगी और तीसरे नंबर के उपर। जी दोस्तों इहदा मतलब यह है कि पहले नंबर पर सोलर इस्तेमाल होएगा, दूसरे नंबर पर यूटिलिटी इस्तेमाल होएगी और तीसरे नंबर के उपर बैटरी इस्तेमाल होएगी। जी दोस्तों SUB का मतलब यह होंगे। जी दोस्तों असं अगर इनू चेंज करना चाहते हैं तो असं इनू चेंज भी कर सकते हैं। जी तुम एंटर वाले बटन दोबारा प्रेस करोगे SUV जिदा ही बिलिंग करेगा असं इन चेंजिंग करा। जी दोस्तों दूसरे नंबर पर ये एक नंबर जी सैटिंग हैगी है SBU। पहले नंबर पर सोलर और दूसरे नंबर पर बैटरी और तीसरे नंबर पर यूटिलिटी। सोलर प्लेटों तो बाद दूसरे नंबर पर अगर साडा लोड पवे तो बैटरी के उपर पवे और तीसरे नंबर पर यूटिलिटी के उपर पवे। जी दोस्तों एक नंबर सैटिंग जी तीसरी सैटिंग हैगी USB। जी दोस्तों इहदा मतलब आ कि पहले नंबर पर यूटिलिटी, दूसरे नंबर पर सोलर, तीसरे नंबर पर बैटरी इस्तेमाल हो। जी दोस्तों असं इनू तुहानूं असीं दसदे हां कि SUV के उपर ही तुसीं सैटिंग रखो। सब तो पहले सोलर इस्तेमाल हो, फिर यूटिलिटी और बैटरी बैकअप वास्ते इस्तेमाल हो। जी दोस्तों यदि सैटिंग से पहली असी दूसरी सैटिंग की तरफ जाने, दूसरी सैटिंग यदि हैगी अंपेयर के बारे च कि बैटरी किन्ने अंपेयर के उपर चार्जिंग हो। जी दोस्तों 60 अंपेयर के उपर यह बैटरी असी चार्जिंग की आ जी कि PV के अंदरों चार्जिंग होएगी। जी दोस्तों PV के अंदरों यानी कि सोलर प्लेटा तो जी बैटरी चार्जिंग हो 60 अंपेयर से हो। जी दोस्तों असं इनू वधा घटा भी सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें दसागा कि तुम 60 अंपेयर के उपर ही इनू रखो। जी दोस्तों असी तीसरे नंबर की जी सैटिंग उन्होंने चैक कर लें। जी दोस्तों तीसरे नंबर की जी सैटिंग हैगी है UPS की। जी दोस्तों इनू असी UPS के उपर ही बाय डिफॉल्ट ही रखा। और चौथे नंबर की जी सैटिंग हैगी फ्लैट की। जी दोस्तों FLD जी बैटरी की सैटिंग होंगी है, जी खुश्क बैटरी होंगी है, असी अगर उन्होंने चार्जिंग करना हो असी USE का इस्तेमाल कर सकते हैं और AGN का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जी टाल ट्यूबरल बैटरी है असी इस्तेमाल वास्ते FLD की सैटिंग ही रखा। जी दोस्तों जी दसवें नंबर के उपर सैटिंग हैगी वोल्टेज की। जी दोस्तों यदि आउटपुट वोल्टेज जो असी 230 के उपर ही यदि सैट की है, 230 के उपर ही असी यदि सैटिंग रखा। जी दोस्तों जी 11 नंबर के उपर सैटिंग हैगी यूटिलिटी की चार्जिंग के बारे में। जी दोस्तों यूटिलिटी के उपर किन्ने अंपेयर के उपर बैटरी चार्जिंग हो, अगर के इलैक्ट्रिक आ रही है और बदल आ जा रात के टाइम पर बैटरी असी इस्तेमाल करना चार्जिंग वास्ते तो वह 30 अंपेयर के उपर बिजली के उपर चार्जिंग होगी। मैं तुम्हें यही कहूँगा कि तुम 30 अंपेयर के उपर ही यदि चार्जिंग रखो। जी दोस्तों जी 12 नंबर के उपर सैटिंग आ रही है वह हैगी बैटरी दे के बैटरी के वोल्टेज किन्ने तो किन्ने डाउन होन तो बैटरी जी ना UPS नूं बंद करवा दे। जी दोस्तों 12 नंबर के उपर जी सैटिंग वो ये दसदी है कि बैटरी के किन्ने घट तो घट वोल्टेज हो बैटरी UPS नूं बंद करवा दे, कि बैटरी की यानी कि लाइफ में बरकरार रखने वास्ते असं 11 वोल्ट तो नीचे नहीं उन्होंने करा। जी दोस्तों इस तो बाद जी सैटिंग हैगी है वह हैगी है FUL की।
जी दोस्तों 13 नंबर की जी सैटिंग हैगी FUL की आ कि फुल दे उपर बैटरी ही बंद हो जिन्ना टाइम तक बैटरी फुल नहीं होंगी उन्ना टाइम तक यह बैटरी एम्पेयर एसी या डीसी चार्जिंग के अंदर रखे जी दोस्तों FUL तो असं इनू वोल्टेज के अंदर भी लैके जा सकते हैं कि किन्ने वोल्टेज तक यह बैटरी चल जाए तो साडा UPS चार्जिंग बंद कर दे जी दोस्तों 16 नंबर सैटिंग जी सब तो इंपोर्टेंट सैटिंग आ असी इहदी तुहानू सैटिंग के बारे दसांगे कि 16 नंबर जी सैटिंग आ वह कितनी इंपोर्टेंट आ जी दोस्तों इस टाइम तक जी OSO के उपर जी सैटिंग रखी आदा मतलब यह आ कि सिर्फ सोलर के उपर ही बैटरी चार्जिंग हो बिजली के उपर ना हो जी दोस्तों ये तुसी सैटिंग कर सकते हैं यह सैटिंग बहुत अच्छी है ये बिजली की भी बचत होएगी जी दोस्तों ये बिजली की बचत हो सकती है साड़ी 14 नंबर 15 नंबर सैटिंग के नाल जी दोस्तों 16 नंबर सैटिंग असी इनू चेंज भी कर सकते हैं इनू असी अगर चेंज करा तो यह देखो है यदा मतलब यह आ कि साड़ी पहले नंबर के उपर चार्जिंग बिजली के उपर हो दूसरे नंबर पर सोलर पर हो असी सिर्फ सोलर के उपर सोलर एंड यूटिलिटी दोवों की चार्जिंग वास्ते भी असी इनू इस्तेमाल कर सकते हैं और OSO की सैटिंग असी अगर करा तो सिर्फ सोलर के उपर ही बैटरी चार्जिंग होगी इस बाद जी अगली सैटिंग आ रही है वह हैगी 19 नंबर सैटिंग और 20 नंबर सैटिंग बाय डिफॉल्ट ही रखा जी दोस्तों ये सैटिंग जड़िया मेन सैटिंग से असी उन्होंने बारे तुम दस दिता कि नवे UPS लैन तो बाद असी आ सैटिंग करनिया बहुत जरूरी होंगे जी दोस्तों असी सैटिंग खुद कर सकते हैं किसी कारीगर को बुलाने की जरूरत नहीं है असी अगर सैटिंग करा तो साड़ी बिजली की बचत भी होगी और UPS अच्छे तरीके सानू परफॉर्मेंस देगा जी दोस्तों उम्मीद है कि तुम्हें सैटिंग की समय लग गई होगी जी दोस्तों जिदा कि तुम देख लिया कि असी इस इनवर्टर के बारे 1.5 एम्स सीरियल के अंदर जो इनवर्टर आ ज़ियोनिक की तरफों असी तुम्हें यदि सैटिंग समझाती है दोस्तों थोड़ा बहुत डिफरेंट हों हर UPS के अंदर हर इनवर्टर के अंदर सेम टू सेम इस तरह ही सैटिंग होंगी है अगर तुम्हें यदि मुकम्मल सैटिंग की समझ आ गई है तो तुम किसी भी UPS इनवर्टर की सैटिंग खुद कर सकते हैं और इस ही अगली वीडियो तक इजाजत दियो अल्लाह हाफिज़।